यस सर एम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आया तो फंक्शन क्या होता है फिर वन वन, तो फंक्शन कैसा होगा वन वन होगा, ठीक है। कार्तिक के कहाँ रह गया, ऑन टू के लिए क्या करेंगे अनिरुद्ध? ऑन टू फंक्शन भी हो गए, कैसे होगा सर? आप y ले लो, fx equals to y, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, हर एक एलिमेंट मैप होगा, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, यस सर। सो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 6, कार्तिक क्यों नहीं आ रहा? वेट सर, एक्चुअली मैप नहीं होगा, एक तो ये वर्ड दोबारा नहीं बोलोगे, मैप नहीं होगा, ठीक है सर। ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि कुछ नंबर्स, वन की इमेज क्या होगी, वन, टू की इमेज क्या होगी, फोर, थ्री की इमेज होगी, नाइन, ये जो नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर बनेंगे बचेंगे ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे, तो इनकी कोई पूरी इमेज नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर, नंबर्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। जब आपको नॉट ऑन टू प्रूव करना हो कार्तिक, तो आप क्या कर सकते हो, नॉट ऑन टू प्रूव करना हो तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ले लो जिसकी प्री इमेज नहीं है, जैसे टू बिलोंगिंग टू एन, एक तो ये लिख सकते हो, और जैसे टू बिलोंगिंग टू एन, उसके लिए हम डायरेक्टली अगर हम देखिए कि अगर हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे कि ऑन टू है बट अकाउंट नहीं होगा तो नॉट ऑन टू हो जाएगा, तो हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको देखने से ही पता लग जाता है कि ऑन टू है या नहीं, इसमें आपको ऐसा बहुत सब प्रूव करने की स्टेप्स के साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट, सो यू कैन डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन, राइट, ओके। कार्तिकेय इज लाफिंग, व्हाई आई डू नॉट नो व्हाई कार्तिकेय इज लाफिंग, स्माइल कर रहा था ना, क्या व्हाई सर, सेम है बस, आई बहुत खुश हूं, आई कांट फील बट अच्छा कैसे, अच्छा मैथ का कैसा गया सर? फ्रॉम हाउ क्यों पूछे मैथ का पेपर, टू बिलोंगिंग टू एन, टू एक नेचुरल नंबर है, टू एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, टू नेचुरल नंबर है, एंड अगर टू नेचुरल नंबर है, देखो टू अगर नेचुरल नंबर है तो इसकी इमेज क्या बननी चाहिए, इसकी इमेज क्या बननी चाहिए, रूट टू का स्क्वायर टू आएगा, है ना, इसकी इमेज क्या बननी चाहिए बताओ, एफ ऑफ रूट टू निकालोगे तो आपका क्या आएगा, टू आएगा, रूट टू का स्क्वायर टू आएगा, तो टू की प्री इमेज कौन बनेगा, रूट टू, है ना, रूट टू डोमेन में होगा क्या, डोमेन तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू एन, हेंस हेंस टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, टू का कोई प्री इमेज नहीं है, इम्प्लाइज ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनका प्री इमेज नहीं है, बट एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, एफ ऑन टू नहीं होगा। चलो आगे चलूं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, सेकंड पार्ट बताओ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है, जेड से जेड तक एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज, क्या ये फंक्शन वन वन होगा,
कैसे होगा? तो बिकॉज़ वन नहीं होगा, वन वन होगा सर. एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट, नहीं डोमेन सेट विल हैव एन इमेज. एन इमेज नहीं, यूनिक. ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो आपने बताई. फंक्शन की डेफिनेशन होती है वन वन. फंक्शन की डेफिनेशन होती है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इमेज. वन वन फंक्शन की यूनिक बेटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है. ठीक है, यूनिक इमेज है ना, फंक्शन की डेफिनेशन है. यहाँ पर होगा कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इमेज. फंक्शन तो होना ही चाहिए, यूनिक इमेज तो हर एलिमेंट की होनी चाहिए, वो अलग बात है. उसके बाद यहाँ पर अलग एलिमेंट्स की अलग इमेज भी होनी चाहिए. यस सर, वो ठीक है. तो क्यों एफ ऑफ माइनस वन का स्केयर कितना आएगा? माइनस वन का स्केयर वन. एफ ऑफ वन क्या आएगा? वन का स्केयर, वो भी वन. मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट हमें ऐसे मिल गए कि माइनस वन इसकी इमेज भी वन, माइनस वन इसकी इमेज भी वन. एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है. जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं आती तो फंक्शन क्या नहीं होता? वन वन नहीं होता. एफ ओ दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट वन वन. एफ वन वन नहीं है. ठीक है अनिरुद्ध. एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम आए तो फंक्शन क्या नहीं होता? वन वन नहीं होता. ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए हम करेंगे, देखो एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस ये है वन, यहाँ जीरो होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री, टू थ्री फोर फाइव. जो ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर, जैसे आप माइनस वन की इमेज निकालोगे तो ये आ गया, माइनस टू और टू की इमेज निकालोगे तो वो फोर आ जाएगी आपके पास. ठीक है, ऐसे ये नेगेटिव नंबर किसी की इमेज नहीं बनेंगे. ठीक है, नेगेटिव नंबर किसी की इमेज नहीं बनेंगे. अगर नेगेटिव नंबर किसी की इमेज नहीं बनेंगे तो इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी. ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ. नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, या फिर सीधा लिख दो नेगेटिव रियल नंबर. नेगेटिव रियल नंबर डू नॉट हैव एनी प्री इमेज. मैं सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. Real names, integers. Negative integers. Negative integers do not have any pre-image. तो ये function कैसा होगा? On to तो नहीं होगा. Implies f is not on to. बहुत नहीं जा रही है. परीक्षित को भी लाना है. Pre-image. ठीक है? हाँ, वो तो पता नहीं ऐसे कुछ कर रहा है. चल साहब ना देखो. Any pre-image. Negative integers do not have. Negative integers की कोई pre-image नहीं है. ठीक है, तो ये function on to नहीं होगा. Implies f is not on to. चलो आगे. Yes sir. इसके बाकी के parts करोगे? एक cube वाला करवा देता हूँ, फिर part करवा देता हूँ. F is a function from Z to Z. F एक function है कहाँ से कहाँ तक? Z to Z. Given by fx is equal to x cube. Fx किसके equal है? X cube के equal है. F is a function from Z to Z. Given by fx is equal to F. Fx एक function है, Z से Z तक defined है. ठीक है. Let डोमेन के दो एलिमेंट लो, x1 x2 बिलोंगिंग टू z. x1 x2 दो एलिमेंट है और ये डोमेन में बिलोंग करते हैं. सच दैट इनकी इमेज क्या है? बराबर है. एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. एफ एक्स वन किसके इक्वल है? एफ एक्स टू के इक्वल है. x1 x2 को दो एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है, इनकी इमेज इक्वल है. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन. एफ एक्स वन क्या आएगा बताओ? यहाँ से एफ एक्स वन क्या आएगा? एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब. दो एलिमेंट्स के क्यूब बराबर है, दो इंटीजर्स के क्यूब बराबर हैं, तो क्या वो इंटीजर बराबर होंगे? कैसे? दो एलिमेंट्स के क्यूब बराबर हैं तो क्या वो एलिमेंट बराबर होंगे? कार्तिके
कार्तिक है, दो एलिमेंट्स के क्यूब बराबर है, क्या वो एलिमेंट्स बराबर होंगे? हाँ, दो एलिमेंट्स के क्यूब तभी बराबर होते हैं जब हम दो एलिमेंट्स के क्यूब करोगे, माइनस टू का क्यूब करोगे माइनस एट आएगा, और माइनस एट और किसी का भी क्यूब नहीं आएगा, माइनस टू का ही आ सकता है ना? तो दो एलिमेंट्स का क्यूब बराबर है तो एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ इज वन वन हो गया, फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y equals to x cube आ जाएगा, तो x equals to y under root 3। एक बार बताओ, यहाँ पर जैसे इंटीजर है, जीरो है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, जीरो की इमेज क्या आएगी, जीरो, माइनस वन की इमेज क्या आएगी, माइनस वन, माइनस टू की इमेज क्या आएगी, माइनस एट, वन की इमेज वन, टू की इमेज एट, अब आगे ऐसे चलता रहेगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो माइनस वन से माइनस सेवन के बीच में एलिमेंट रह गए वो किसकी इमेज बनेगी, वो तो किसी का क्यूब होते ही नहीं है, नहीं आएगी, तो वो किसी की इमेज बनेगी ही नहीं। इसी टाइप से जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है वन से एट तक बहुत सारे नंबर रह गए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, तो सिर्फ जो यहाँ पर क्यूब नंबर है पर जो परफेक्ट क्यूब है उन्हीं की प्री इमेज होगी, बाकियों की प्री इमेज होगी ही नहीं, ठीक है। सो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट परफेक्ट क्यूब इंटीजर्स, इंटीजर्स डू नॉट नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है, सिर्फ जो क्यूब नंबर है उन्हीं की प्री इमेज होगी, ठीक है, therefore f is not onto, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, नहीं होगा ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, f एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है, r से r है, such that f x किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है, ठीक है, इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, ये फंक्शन ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, दिस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना ये फंक्शन वन वन है ना ही ऑन टू, ये टू करना है, ये अनिरुद्ध बताएगा। यस सर, तो अगर आप एक नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे पहले वाला नंबर होता है, समझाओ मत बेटा, बस आंसर बताओ, आंसर प्रूव करना है ना, तो दिस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वन वन नहीं है, इसका एग्जाम्पल दो सर, बिकॉज 0.9 एंड 0.8 दोनों का इमेज जीरो होगा, f ऑफ 0.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, f ऑफ 0.8 का 0.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ये भी जीरो आएगा, मतलब so दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है जबकि एलिमेंट्स अलग अलग है, इंप्लाइज f इज नॉट वन वन, दो डिफरेंट पॉइंट्स क्या सेम इमेज आ गया, f इज नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। ऑन टू के लिए बताओ सर, तो डेसिमल नंबर्स विल नॉट हैव अ प्री इमेज, हाँ, जिस भी एलिमेंट की इमेज निकालोगे, मान लो यहाँ तो सारे रियल नंबर है, जिसके एलिमेंट की इमेज निकालोगे वो जीरो की इमेज निकालोगे जीरो आएगा, जीरो से वन के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन सब की इमेज क्या बनेगी, वन बनेगी, ठीक है, जीरो के बीच के, अच्छा वन की इमेज क्या बनेगी, वन बन जाएगी, अब वन से टू के बीच में जितने भी नंबर हैं वन से टू के बीच में उन सब की इमेज वन बनेगी, और फिर टू की इमेज क्या हो जाएगी, टू, तो देखो इमेज क्या आएगी, इमेज आएगा जीरो वन टू, अब इनके बीच में जो डेसिमल नंबर है, जैसे यहीं पर ले लें हम 1.1 1.01, ये तो किसी की, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है यहाँ तो सारे ही नंबर हैं, बट ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है, नॉन इंटीग्रल रियल नंबर, नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल रियल नंबर नंबर डो नॉट हैव एनी प्री इमेज इमेज, नॉन इंटीग्रल रियल नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है,
कार्तिक के लिख तो नहीं रहे आप, कैसे करोगे? क्या सर लिख नहीं रहे? आपका दोस्त कहाँ चला गया ना? मन सर छोड़ दिया। अच्छा क्यों छोड़ दिया? सर क्या सर समझ नहीं आया, तो मैंने कुछ लिखते हो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। उसका समझ नहीं आ रहा था, लाइक पढ़ेगा समझ के चलेगा। उसको तो बेटा समझ तो पूरी जान से ही नहीं आ रहा था। वो भी तो मैंने बोला सर क्लास के बीच में, लाइक क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा, लाइक मैं छोड़ दी, क्यों नहीं समझ आता, हाँ तो वैसे ही समझ नहीं आता। छोड़ दिया फादर। नमन पढ़ता नहीं है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वो ना वो लिखता है, उसे लड़ाई कर करके लिखवाना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट नहीं है उसका सेल्फ कुछ भी। ये मैं ये वाला नहीं है, कार्तिक ही बता रहा है, इसने एक दिन बताया। चलो आप बता दो सर। ठीक है सर, मैंने सर को मैं बता देता हूँ, फोर्थ वाला ना, एक सेकंड, मॉडुलस नीदर नेगेटिव नॉर ऑन टू। हाँ तो आप एफ एक्स लिख दो, तो एक्स इज पॉजिटिव व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो ऐसा अगर तू और इक्वल टू जीरो। मैं बता देता हूँ, एफ ओ माइनस वन की इमेज निकालो, माइनस वन की इमेज क्या आएगी? वन। एफ ओ माइनस टू की इमेज क्या आएगी? माइनस टू का इमेज क्या होगा? ओ सॉरी, वन का इमेज लो, वन का इमेज लोगे तो क्या आएगा? वन का इमेज मोड ऑफ वन, वो भी वन। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम, फंक्शन नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन। जब नॉट करना हो तो आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, जब नॉट प्रूव करना हो तो आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ गए? लेकिन जब प्रूव करना हो तो आप काउंटर एग्जाम्पल नहीं दे सकते, जनरल प्रूव करना होता है। चलो ऑन टू कौन बता रहा है बताओ सर, ऑन टू है या नहीं? नंबर्स का भी इमेज नहीं होगा। हाँ देखो यहाँ पर सारे क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पर भी सारे रियल नंबर है। आप जीरो की इमेज निकालोगे जीरो आएगी, वन की इमेज निकालोगे तो वन आएगी, माइनस वन की इमेज निकालोगे तो वो भी वन आएगी, टू की इमेज निकालोगे टू आएगी, माइनस टू की इमेज निकालोगे तो टू आएगी। तो नेगेटिव नंबर्स की कोई इमेज नहीं होगी, नेगेटिव नंबर्स की कोई इमेज नहीं होगी, ठीक है? इन नाले नंबर्स की, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं, इनकी कोई इमेज नहीं होगी, ठीक है? ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ऑन टू के लिए क्या लिखोगे? ऑल नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर्स डो नॉट हैव एनी प्री इमेज। इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, फिफ्थ कौन बताएगा? फिफ्थ बताएगा कोई? मैं बता दूंगा, बताओ। हाँ सर, तो एफ एक्स का डेफिनेशन है वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू वन जीरो माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो और वन वन, तो सारे वैल्यूज का एक, अगर आप एफ का वन लोगे, एफ ऑफ वन का वन होगा, एफ ऑफ टू का भी वन होगा। हाँ जीरो से लेस जितने भी नंबर्स की इमेज निकालेंगे हम, जीरो से लेस तो वो क्या आएगी? माइनस वन आएगी, ठीक है? जीरो से लेस जितने भी नंबर्स की इमेज निकालोगे तो माइनस वन आएगी। जीरो की इमेज क्या होगी? जीरो होगी। और जीरो के बाद वाले नंबर्स की इमेज क्या होगी? जीरो के बाद वाले सारे नंबर्स की इमेज वन होगी। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक जितने भी नंबर है सबकी इमेज माइनस वन है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज, एफ ओ माइनस वन निकालोगे तो वो कितनी आएगी? माइनस वन आएगी। एफ ओ माइनस टू निकालोगे तो कितनी आएगी? वो भी माइनस वन आएगी। एफ ओ माइनस थ्री निकालोगे तो वो भी माइनस थ्री आएगी।
ठीक है, एफ ओ माइनस वन के इक्वल है, एफ ओ माइनस टू भी माइनस टू के इक्वल है, या कोई और एग्जांपल दे दो, एफ ओ वन किसके बराबर है, वन के बराबर, एफ ओ टू किसके बराबर आएगी, टू के बराबर, तो फंक्शन कैसा होगा, इम्प्लाइज एफ इज नॉट वन वन, एफ फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन नहीं है। On to के लिए all number minus one zero and one will not have all numbers. All numbers except minus one zero and one will not have a free image. हाँ, only minus one zero and one has free images. बाकी का नहीं है. Has free images. इनका तो इमेज है, बाकियों का नहीं है. So all other real numbers, real numbers do not आता है तुझे चैप्टर, इमेज इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू. कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है तुम्हारा, 40. कितने ले आओगे, ट्राई करूंगा. ट्राई नहीं बेटा, बहुत हो गया ट्राई करते हो, इस बार गंदे नंबर नहीं आए ना, तो तेरे साथ देख ले अच्छा नहीं होगा. यस सर, करूंगा, जोर लगा ले पढ़ाई पे थोड़ा. कार्तिक चला गया, अब वेडनेसडे को भी क्लास चलेंगे ना, छुट्टियां खत्म हो गई, चल रही हैं, खत्म हो गए सर, अब क्लास पूरा वीक दे दो, बस ट्यूसडे और फ्राइडे के सिवाय पूरा हर रोज. वेडनेसडे वाले कहाँ भी जाऊंगा, वेडनेसडे मेरी भी क्लास है. 1 2 3 अभी भी रख लो. ए फंक्शन दिया हमें, ए सेट दिया हमें 1 2 3, ठीक है. ए सेट में बी में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने, 4 5 6 7 4 5 6 7. ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी में कितने हैं, 4 5 6 7. बताओ, एफ फंक्शन दिया हुआ है, कार्तिक आया था कहाँ गया, एफ फंक्शन दिया है 1 4 2 5 3 6 3 6, ये दिया है. क्या 1 1 फंक्शन है, हाँ सर, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, 1 1 फंक्शन है. ऑन टू है क्या, ऑन टू है, नहीं नहीं ऑन टू नहीं है. तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या होगा, सेवंथ में बताओ, ये ले जाओ. एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, fx is equal to 3 - 4x. क्या 1 1 है, करके दिखाओ, 1 1 है कि नहीं, बताओ क्या करोगे. कार्तिक किस बात पे स्माइल कर रहा है, एक सेकंड बताओ कैसे करोगे. लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है. एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, पावरिंग ऑन. एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, अनिरुद्ध बताओ, आप बताओ. 3 - 4
3 minus how are we off 3 for x1 4x1 और fx2 की वैल्यू क्या होगी 3 minus 4x2 4 4 कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा बचेगा x minus x2 4x1 is equal to minus 4x2 हो गया माइनस 4 भी कट जाएगा x1 is equal to x2 हो गया तो f फंक्शन हमारा 1-1 हो गया ऑन टू के लिए क्या करेंगे y बिलोंगिंग टू कोडोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेंगे और कैसा एलिमेंट है ये कि f ऑफ x इसके इक्वल है y के इक्वल है ठीक है दिस इंप्लाइज f x इज व्हाट f x क्या है fx हमारा है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू अनिल दावा जा रही है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x 3 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू x 3 माइनस y किसके इक्वल है x के इक्वल है दिस इंप्लाइज y क्या लिया था हमने रियल नंबर y रियल नंबर है देखो y रियल नंबर है तो माइनस y भी रियल नंबर होगा माइनस y अगर रियल नंबर है तो 3 माइनस y क्योंकि 3 रियल नंबर होता है एंड डिफरेंस या एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज ए रियल नंबर ये भी रियल नंबर होगा 4 भी एक रियल नंबर है तो 3 माइनस y अपॉन 4 यानी कि एक रियल नंबर को रियल से डिवाइड कर दो तो वो भी रियल होगा तो कुल मिला के सारा क्या आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा ठीक है ये सारा रियल नंबर आ गया और अगर आप एफ ऑफ 3 वाई माइनस 4 ये निकालेंगे तो क्या आएगा वाई इक्वल आएगा ये एक रियल नंबर है और वाई की प्री इमेज है 3 माइनस y अपॉन 4 एक रियल नंबर है और y की प्री इमेज है इसका मतलब क्या हुआ फंक्शन हमारा r टू r डिफाइंड का ये एक रियल नंबर है तो इस सेट में जरूर होगा और इसी की इमेज y आती है तो इसका मतलब y के लिए प्री इमेज है इसका मतलब क्या हुआ एक आर्बिटरी एलिमेंट को डोमेन के एक आर्बिटरी एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल गई को डोमेन के एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल गई कोडोमेन के आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है और अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो फंक्शन कैसा हो गया एफ इज ऑन टू ठीक है समझ आया yes. जो फंक्शन दोनों हो 1-1 हो 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है उसको क्या कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन जो फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है उसको क्या कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन
जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन था। इसी का सेकंड पार्ट है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या वन वन होगा? एफ ऑफ माइनस वन, वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर टू आ गया, एफ ऑफ वन, वन प्लस वन का स्क्वायर ये भी टू आ गया, इम्प्लाइज ऐसा फंक्शन है, नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं है। हेलो, हाँ ये क्वेश्चन बता दोगे? ये वन वन नहीं है, ऑन टू होगा क्या? ये ऑन टू के लिए कौन बताएगा? ये सर इट इज नॉट ऑन टू एज नेगेटिव नंबर। बताओ ऑन टू के लिए कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स विल नॉट बी मैप्ड, सो इट इज नॉट नॉट फंक्शन। एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी जीरो से बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा, हमेशा वन से बड़ा आएगा। जब आप किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? वन या वन से बड़ा आएगा। वन या वन से बड़ा का मतलब है कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो है ना, से इन्फिनिटी, तो वन से बड़ा आएगा मतलब वन से छोटे वाले नंबर्स के लिए तो फिर इमेज ही नहीं होगी, इन सारे नंबर्स की कोई प्री इमेज ही नहीं होगी, इमेज हमेशा हमारी वन से बड़ी आएगी, वन या वन से बड़ी। ठीक है, जो रेंज आएगी हमारी क्या आएगी? वन से इन्फिनिटी तक आएगी, रेंज हमारी हमेशा वन से इन्फिनिटी आएगी, मतलब जो इमेज आएगी वो वन से लेकर इन्फिनिटी तक आएंगी। तो वन से छोटे वाले तो किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे, वन से छोटे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक वो तो किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे, वो इमेज नहीं बनेंगे तो उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर डो नॉट हैव एनी प्री इमेज, इन नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी, इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। एफ ऑन टू नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है, हो गया ये। F is a function from B to A such that F of AB is equal to BA. F of AB किसके बराबर है? BA के बराबर है। F is a function from A to B. F is a function from A cross B to B cross A. अनिरुद्ध कर क्या रहे हो? दोनों ऐसे बैठे जैसे पढ़ नहीं रहे, कुछ और कर रहे हैं, हैं? F is a function from A cross B to B cross A. क्या वन वन फंक्शन होगा बताओ जरा? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या वन वन फंक्शन होगा? बताओ क्या वन वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। बोल के दिखाओ नहीं होगा क्या सर? क्योंकि ए क्रॉस बी में तो ऐसे देखा, एग्जाम में बताना थोड़े, एग्जाम में लिखना है, दिखाओ करके। नहीं होगा तो होगा तो भी दिखाओ, नहीं होगा तो भी दिखाओ, करो। सर अगर एलिमेंट वन और टू है एंड इसमें कहाँ वन और टू होंगे? नहीं सर, इमेजिन अगर सेट ए वन 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 होगा, पहली तो बात यही सुनो, ये वन वन होगा, ठीक है? होगा सर। लेट एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट ले लिया हमने एक क्रॉस बी के। एक्स वन किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। एक्स टू किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। एक्स वन एक्स टू इस टाइप के एलिमेंट होंगे। कैसे एलिमेंट है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का मतलब है एफ ओ ए बी किसके बराबर है? एफ ओ सी डी के बराबर। ए बी की इमेज क्या आएगी? ए बी की इमेज आएगी बी ए। सी डी की इमेज क्या आएगी? डी सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? ये B इज इक्वल, जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। B इज इक्वल टू D एंड A इज इक्वल टू C। अगर B D के बराबर है, A C के बराबर है, तो जो ए बी पेयर है A किसके बराबर है? C के बराबर। B किसके बराबर है? D के बराबर। ए बी किसके इक्वल है? C D के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? C D के बराबर है। तो देखो जिन दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर थी वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर आ गए, तो फंक्शन कैसा हो गया? वन वन हो गया। एक एग्जांपल, अगर सेट वन टू, इमेजिन अगर ये सेट वन टू थ्री है। क्या कह रहे हो? नहीं थोड़ा जोर से अपनी आवाज बुलंद करो। सर अगर सेट ए, इमेजिन सेट ए वन टू थ्री है एंड सेट बी थ्री फोर फाइव है, तो ए क्रॉस बी में वन इंटू फोर एंड 1 into 5 and 1 into 6 भी तो होगा। तो एक एलिमेंट बार मैप हो रहा है क्या? इमेजिन आप एक इमेजिनरी सेट ले लो, ए 1 टू 3 है एंड सेट बी इज 4 5 6। तो 1 एलिमेंट ए क्रॉस बी में 1 होगा 4, 1 4 होगा बिलोंग करेगा फंक्शन में एंड 1 एंड 5 बिलोंग करेगा सेट डोमेन का एलिमेंट होगा यहाँ पर 1,2। ये मैप किससे होगा? ये मैप होगा 2,1 से। इधर ऐसे एलिमेंट